अस्सलामु अलैकुम। रीना से किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ साबुदाना कटलेट। व्रत के लिए बनाने जा रही हूँ मैं, व्रत स्पेशल है तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे एक कप साबुदाना मैंने पूरी रात भिगने के लिए रखा था। ये देखिए अच्छा सा फूला फूला हुआ है, आपको जितना चाहिए उतना आप ले सकते हो। मैंने एक कप लिया है, ये देखिए ये हो गया है। अब हमें एक पेस्ट डालनी है तो यहाँ पे मैंने लिए हैं ये 4 से 5 हरी मिर्च लेनी है आपको, और ये अदरक लेनी है। लहसुन उपवास में नहीं चलता है, अगर किसी को चलता होगा तो आप डाल सकते हो तो, और जो भी आपको चाहिए वो उपवास में जो भी चलता होगा तो वो ले लेना, बाकी स्किप कर देना यहाँ पे। और तीखा आपको जैसा चाहिए वैसा तीखा आप ले लेना। तो अब हम क्या करेंगे, इसे इसके अंदर कूट लेंगे। ये देखिए मैंने इसे इसके अंदर कूट लिया है। अगर आपको आपके पास पेस्ट होगी तो आप पेस्ट भी डाल सकते हो, पर इसमें कैसे इसमें और अच्छी टेस्ट आती है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने एक प्लेट ले ली, आपको परात प्लेट जो भी लेना हो ले सकते हो। अब हम क्या करेंगे, ये साबुदाना हमने जो भिगोया हुआ था, सोक किया हुआ, वो हम इसमें डाल देंगे। इसमें ये हरी मिर्च और अदरक के हमने जो पेस्ट की थी दरदरा पीसा था वो डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 3 आलू ले लिए हैं, उबले हुए 3 आलू, वो हम इसमें डाल देंगे। ये मूंगफली पीसी हुई मूंगफली है, मूंगफली को भून लेना तवे पे कढ़ाई में और इसे पीस लेना, वो मैंने लिया है 1/2 कप लिया है, वो हम डाल देंगे। हरा धनिया डालेंगे और यहाँ पे लिया है सेंधा नमक, आप जो भी नमक खाते होंगे उपवास में वो डाल देना। और 1 टेबलस्पून हम नींबू डालेंगे। ये देखिए नींबू निचोड़ के मैंने डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसे पूरा मिक्स कर लेंगे। ये देखिए मैंने पूरा मिक्स किया है। अब हमें क्या करना है, कटलेट का शेप देना है। जो भी आपको शेप देना होगा दे सकते हो। थोड़ा सा हाथ पे हम ये तेल लगा लेंगे, इसमें का थोड़ा सा पोर्शन ले लेंगे, छोटा बड़ा जैसा भी आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हो। ये देखिए बड़ा छोटा जैसा भी चाहिए, ये देखिए आप ऐसे भी कर सकते हो। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हो, पर मैं क्या कर रही हूँ ये ऐसा शेप दे रही हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ले लिया है और यहाँ से थोड़ा ये कर लेंगे। ये देखिए ऐसे हम पूरे बना लेते हैं। ये देखिए हो गए हमारे कटलेट। अब हमें क्या करना है, इसे फ्राई करना है। मैंने यहाँ पे तेल गरम करने के लिए रखा है। अब हम क्या करेंगे, एक एक इसके अंदर डाल देंगे, आराम से डाल देना। ये देखिए हमने डाल दिए हैं, थोड़ी देर हम रखेंगे फिर इसे अलग पलट के गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये देखिए ये हमारे अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसे निकाल लेंगे। ये देखिए अब हम ये जो बचे हुए वो भी फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए ये हमारे कटलेट बनकर तैयार हो गई। यहाँ पे मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, ये ग्रीन चटनी व्रत वाली चटनी है। ये मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जरूर इसे देख लेना, बहुत टेस्टी लगती है। और ये जो भी मैंने ये कटलेट के लिए यूज़ किया है, जो भी इंग्रेडिएंट डाला है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप ज़रूर देख लेना। तो अब आप इसको टेस्ट करके बताती हूँ। ये देखिए वाओ बहुत अच्छे बने हैं। आप भी ज़रूर इसे बनाना और कमेंट में मुझे बताना कि आपको टेस्ट में कैसी लग रही है। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।